हेलो बच्चों, अब जो है हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो 8.3 के क्वेश्चंस में यहाँ पे दो क्वेश्चन सब क्वेश्चंस लिखा हूँ। फर्स्ट वन इज द इवेलुएट, यानी हमको क्या करना है, दोनों सॉल्व करना है। द फर्स्ट वन इज हियर, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। ओके, सो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है यहाँ पे मैं बताऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब इसमें से क्या करना है, एक एक तो साइन है एक कॉस है, तो दोनों में से या तो दोनों को हमको साइन बनाना है या दोनों को कॉस बनाना है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में आपको बताया था अगर लेस देन 90 डिग्री होते, फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा होता तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट टेन है, टेन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब इसी प्रकार से कोसेक भी हो जाता, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सेम थिंग, द कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। हम इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट साइन है हमारे पास, सो साइन क्या, या तो दोनों को साइन बनाएंगे या दोनों को कॉस बनाएंगे। फर्स्ट हम साइन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वन साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस, इसको क्या करेंगे, 90 माइनस 18, 90 माइनस 18, 90 में से 18 अगर माइनस किया तो 72 आ जाता। अब हमको कॉस चेंज करना है, सो साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये कॉस जाके क्या हो जाता, साइन हो जाता, साइन 18 डिग्री हो जाता, साइन 18 डिग्री। सो साइन 18, साइन 18 कैंसल, द आंसर इज 1। सेम वे यहां पे भी ऐसे ही आएगा, 10 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो कॉट को चेंज करेंगे या तो 10 को करेंगे। 10 ऐसे रखते हैं, 10 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। ओके, 90 में से 26 माइनस किए तो हमको क्या आता, 64 आता, इसलिए कॉट का कॉट ऐसे ही लिखे। नेक्स्ट अब चेंज हो जाता, अब 26 अगर हम ले रहे तब ये क्या हो जाता, 10 हो जाता, 10 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट जाके क्या हो जाता, 10 26। सो दिस टू आर कैंसल, द आंसर इज 1। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ है यहां पे, सेम उसी प्रकार से हमको चेंज करना है और सॉल्व करना है। फर्स्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, अब इसमें से एक को चेंज करना है, या तो कॉस को कर सकते हैं या तो साइन को कर सकते हैं। फर्स्ट कॉस ऐसे लिखेंगे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48 डिग्री, 90 में से 48 माइनस किए तो 42 आ जाता। ओके, सो नाउ कॉस 48 डिग्री माइनस, अब हमको सिर्फ 48 लेना है तो ये साइन जाके क्या हो जाता, कॉस 48 डिग्री। नाउ कॉस 48 माइनस कॉस 48 दैट इज द जीरो, ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस होके जीरो हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द सेम। नाउ नेक्स्ट वन इज सेम, यहां पे भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। नेक्स्ट किसी एक को चेंज करेंगे, कोसेक ऐसे लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31, 90 में से 31 माइनस किए तो 59 बचता। सो कॉस कॉस 31 डिग्री, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, 31 डिग्री माइनस, अब हमको 31 डिग्री लेना है तब क्या हो जाता, सेक जाके क्या बनता, कोसेक बन जाता, कोसेक
31 डिग्री. सो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, दैट इज जीरो. माइनस किए तो हमको क्या मिलता, जीरो आता. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, सेकंड क्या है यहां पे, शो दैट 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो हमको प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना, इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर हमको 1 लाना है. शो दैट बोल के यहां पे दिया. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन हियर लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस इज इक्वल टू 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री. अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे एंगल का जो वैल्यू है दो इवन है और दो ऑड है. ओके, तो हमको क्या करना है, एक ऑड को चेंज करना है, एक इवन को चेंज करना है. अगर सपोज दोनों हम इसको ही चेंज किए ना तो आंसर नहीं आता. एक ऑड लेंगे, एक ऑड लेंगे, एक इवन लेंगे. सो नाउ फर्स्ट वन ऐसे ही रखेंगे, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 10 90 माइनस 48, नेक्स्ट 10 90 माइनस 23. ओके, 48 माइनस किए तो 42 आता, 90 माइनस 23 अगर माइनस किए तो 67 आता. ना अब इसको चेंज करना है. सो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, नेक्स्ट 10 है. अब 10 चेंज होता, अगर हम 48 अगर यूज कर रहे हैं तो 10 क्या हो जाता, कॉट हो जाता. कॉट 48 डिग्री इनटू, ये भी कॉट होता, कॉट 23 डिग्री. ओके, नेक्स्ट 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 48 डिग्री इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, कॉट जाके 10 हो जाता अगर 1 डिवाइडेड बाय ले रहे. सो 10 23 डिग्री इस प्रकार से आएगा. कॉट को हमको चेंज करना है और रिड्यूस करने के लिए. नाउ दिस 10 48 एक डिनोमिनेटर का, एक न्यूमरेटर का, 10 23 10 23 इज कैंसल. बच रहा क्या, 1 into 1 1. सो आंसर इज हियर 1. तो अब इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना आया, 1 आया. सो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू द आर एच एस. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सब क्वेश्चन सेकेंड है यहां पे, सेम यहां पे दिया. हमको फाइनली प्रूफ क्या करना है, जीरो बोल के वैल्यू प्रूफ करना है. सो फर्स्ट हम लेंगे एल एच एस, कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, सेम ले लिए. फाइनली हमको आंसर जीरो चाहिए. सो फर्स्ट दो वैल्यू एज इट इज रखेंगे, कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 52. मीन्स 90 में से अगर हम 52 माइनस किए तो 38 आता, इनटू साइन 90 माइनस 38. 90 में से 38 माइनस किए तो 52 आता. इस प्रकार से हमको करना है. अब ये साइन जाके कॉस हो जाते. सो नाउ कॉस 38 डिग्री इनटू कॉस 52 डिग्री माइनस, अब एक साइन जाके क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री इंटू ये वाला था साइन, साइन भी चेंज हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 38 डिग्री. अब देखो ध्यान से, सेम वैल्यू है ना, चाहे तो मैं अरेंज करके बताऊंगा. कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस, ये कॉस लिखेंगे फर्स्ट, कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस, सॉरी, इंटू कॉस 52
डिग्री, ये इधर लिखे ये इधर लिखे, ओके। अब ये दोनों सेम है, माइनस हो रहे हैं, तो फाइनली आंसर क्या आता हमको, माइनस किया तो जीरो आता। सो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 38 इंटू कॉस 52, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता आंसर, जीरो आता। सो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू द आर एच एस, फाइनली हमको प्रूफ हुआ आंसर जीरो। नौ बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेन थर्ड क्वेश्चंस। अब हमको यही यूज करके सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन यहां पे, इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, ए माइनस 18 डिग्री, वेर टू ए इज एन एक्यूट एंगल, टू ए क्या है, एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू हमको पता करना है। सो फर्स्ट गिवन दैट, जो दिया पहले हमको वही लिखना है, टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, सॉरी ए माइनस 18 डिग्री। सो टेन टू ए ये सारा जो है एंगल है। अब हम इसको टेन को अगर चेंज करेंगे तो यहां पे टेन, सो टेन सपोज दिस इज द ए, तो हम इसको कॉट में अगर चेंज करना है तो कैसे आएगा, कॉट में अगर चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा आएगा। तो यहां पे भी हमको 10 को चेंज करना है, 90 माइनस करना है, सो दिस इज द थीटा, 2a इज द थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये कॉट में चेंज करना है। सो कॉट इस प्रकार से आएगा, ये कॉट 90 माइनस 2a, यस। फिर ये लिखे बोले तो कॉट का क्या हो जाता, 10 हो जाता, 2a आ जाता, इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 180 डिग्री। बोथ आर द कॉट, व्हेन वी आर कंपेयरिंग द एंगल्स, व्हेन वी आर कंपेयरिंग द एंगल्स, व्हाट वी गेट, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री, यस। अब हम क्या करेंगे, ए को इधर लाएंगे और 90 को उधर लेके जाएंगे, ओके या फिर इसको ये वेरिएबल को इधर लाके 18 को इधर ला सकते, 90 माइनस 18 बिकम्स प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू ए, ये माइनस 2a इधर आके प्लस 2a हो जाता। सो दिस इज द 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, सो देयर फोर 3a इज इक्वल टू 118 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 118 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, और रिड्यूस कर सकते हैं हम, 3 1 3, 3 3 9, एक बच रहा 3 6, सो दैट इज ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो ए आ गया हमारे पास, ए कितना है, 36 डिग्री आ रहा है। और यहां पे क्या बोल रहा, वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। अब 2a कितना होता, अब हमको तो यही फाइंड आउट करना है, चेक करेंगे कि 2a एक्यूट एंगल है या नहीं है। सो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 36, सो दैट इज 36 इंटू 2 72, 2a का वैल्यू कितना आ रहा, 72 आ रहा। सो इट मीन्स वॉट, दिस इज द लेस देन 90 डिग्री, तो सो 2a इज द 72 डिग्री आ रहा ना, सो दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। हमको यहां तक ही प्रूफ करना है, चेक करने के लिए हम जो है 2a का वैल्यू फाइंड आउट किए। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट गिवन वैल्यूज, गिवन दैट 10a इज इक्वल टू कॉट बी। अब हमको एक एंगल चेंज, एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज करना है, या तो 10 को चेंज करेंगे या तो कॉट को चेंज करेंगे, ओके। सो फर्स्ट अब हम 10 को चेंज करेंगे, 10 को अगर चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 10 यहां पे, तो इसको लेना पड़ेगा हमको कॉट 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉट 90 डिग्री माइनस ए, थीटा के प्लेस पे यहां पे ए है, इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू कॉट बी, कॉट बी। नाउ नाउ यू सी हियर, बोथ आर द कॉट एंड कॉट, दोनों भी कॉट है, कंपेयरिंग द एंगल्स, तो क्या हो जाता, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी,
देन ये ए को इधर लाओ, 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ए, इधर आके प्लस ए हो जाता, सो बी प्लस ए। अब अरेंज करेंगे इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस इज द आंसर। प्रूफ हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20, ए माइनस 20 वेर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए का ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट गिवन वैल्यू लिखेंगे हम यहां पे, गिवन दैट सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब एक हम क्या करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे, इसको ये चेंज कर लेंगे, सेक को हम चेंज करना है, सेक दिस इज द थीटा, सपोज दिस इज 4a इज द थीटा, सेक थीटा, सो सेक थीटा को अगर हम कोसेक में चेंज कर रहे हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा, सो थीटा के प्लेस पे क्या है, पे 4a है, सो हमको कोसेक में चेंज करना है, कोसेक 90 माइनस 4a, 4a इज द थीटा, ये पूरा वाला थीटा होता, इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ओके, कोसेक कोसेक दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो नाउ वी हैव टू कंपेयर द एंगल्स, ये वाला कंप्लीट एंगल है, ये भी क्या है, कंप्लीट एंगल है। अब दोनों एंगल को हम क्या करना है, चेक करना है, सो कंपेयर करना है, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। अब वेरिएबल एक साइड अरेंज करेंगे, ये को इधर लाएंगे, 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस 4a माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 20, ये प्लस 90 है, इधर आके क्या होता, माइनस 90 डिग्री, माइनस 4a माइनस ए दैट इज द माइनस 5a, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 110 डिग्री। अब रिड्यूस होता, ए इज इक्वल टू माइनस 110 डिवाइडेड बाय माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 1 बच रहा, देन अगेन 5 2 जा, सो ए इज इक्वल टू 22 डिग्री, ए कितना हो रहा, ए हो रहा 22 डिग्री। यहां पे क्या बोल रहा, वेयर 4a इज इक्वल टू द इज एन एक्यूट एंगल, अगर हम इसको 4 से भी इंटू करेंगे तो एक्यूट एंगल ही होता, हमको तो इतना ही प्रूफ करना है, चेक करेंगे उसको, 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 22 डिग्री, दैट इज द 88 डिग्री, 4a का वैल्यू 88 डिग्री हो रहा, ये तो हमको आवश्यकता नहीं है इसका, लेकिन हम चेक करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, दिस इज द 4a। ओके, सो दिस 88 इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 4a इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, 6 में भी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स हैं ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई टू। तो अब हमको LHS लेके ये प्रूफ करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। ओके, दिस इज वॉट बी प्लस सी, दिस ए बी सी इज द इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल का सम क्या होता है हमको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो अब हमारे पास यहां क्या है, बी प्लस सी है, तो ये ए को इधर लाएंगे, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, यस। तो अब हम क्या करेंगे, साइन में साइन बी प्लस सी के प्लस प्लेस पे क्या करेंगे, 180 माइनस माइनस ए करेंगे, डिवाइडेड बाय टू। नेक्स्ट फिर सेपरेट करेंगे साइन, अब हम इसको सेपरेट करेंगे, यहां पे माइनस है ना, 180 डिवाइडेड बाय टू माइनस ए डिवाइडेड बाय टू, दोनों को ए डिवाइडेड बाय टू सेम सेपरेट किए। नेक्स्ट 2 1 जा 2 90 जा, सो साइन
90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। यस, साइन 90 माइनस ए, ए डिवाइडेड बाय 2 इज दिस होल इज द थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता कॉस थीटा हो जाता। तो अब हम साइन को चेंज कर सकते हैं यहां पे, सो साइन बिकम्स द कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज द थीटा, तो क्या आ जाएगा ये ए डिवाइडेड बाय 2। आया ना आंसर ये सेम आरएचएस के इक्वल। सो देयर फोर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। यहां पे ये लेना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस ए बी सी इज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल बिटवीन द 0 डिग्री एंड द 45 डिग्री। यानी हम इन हमको जो है इन दोनों को चेंज करना है, जो भी हम साइन का कॉस बनाना है कॉस का साइन बनाना है, और इसके जो दोनों एंगल आएंगे ना दीज टू एंगल्स आर इन बिटवीन द 0 एंड द 45, मतलब इस इन दोनों का वैल्यू क्या आना, एंगल का 0 और 45 से बिटवीन में आना है। सो फर्स्ट गिवन दैट साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, अब इसको चेंज करना है, साइन हम ऐसे ही रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना कम होता है यहां पे 23 होता, 23 डिग्री, ओके 90 में से 23 को माइनस किए तो 67 आता, तो इस प्रकार से हमको करना है, प्लस कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस कितना कम किए तो आता 75, 90 में से कितना माइनस किए तो 75 आता, सो दैट इज द 15 डिग्री, 90 में से 15 डिग्री माइनस किए तो 75 आता। सो फाइनली अब हम यहाँ को यहाँ पे क्या करना है, इसका रेशियो चेंज करना है, साइन का कॉस बनाना है, सो कॉस क्या आ जाता, कॉस 23 डिग्री प्लस ये कॉस क्या हो जाता, अगर 15 ले रहे तब क्या होता कॉस क्या होता साइन 15 डिग्री, इस प्रकार से हमको चेंज करना है। सो सी हियर 23 इज लेस देन 45 एंड 15 इज आल्सो लेस देन 45 एंड मोर देन 0 डिग्री, सो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है, और उसके लिए हमको क्या है ये जो है बाय हार्ट रहना है, तभी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से मैं वन बाय वन सारे आपको क्वेश्चंस और सारे 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा आपको। जिस किसी को भी मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।